बीमारी और शिफा ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में। बीमारी पर और शिफा पर अल्लाह के अलावा किसी का कंट्रोल नहीं है। कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता बीमारी के मामले में और शिफा के मामले में। सब पे अल्लाह ताला का कंट्रोल है, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हमें असबाब इख्तियार करना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, लेकिन इस यकीन के साथ कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर अल्लाह शफा देना चाहे तो शफा हो सकती है, और शफा ना देना चाहे तो पूरी दुनिया की डॉक्टर और पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस लग जाए आपके पीछे तो बच नहीं सकते आप। इसीलिए हम देखते हैं कि कभी कभी मामूली सी बीमारी होती है और आदमी चल बसता है, और कोई कोई तो बीमारी की ऐसी हालत को पहुंच जाता है कि सब लोग ये सोचने लगते हैं कि ये तो गया, बचेगा नहीं, लेकिन वो बच जाता है, वो बच जाता है। आदमी इंतजार में रहता है कि अब उसकी मौत की खबर आएगी, तब आई, लेकिन अचानक खबर आती है कि वो तो पूरी तरह से ठीक हो गया। ये सब अल्लाह ताला की मर्जी है। देखिए, सही बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अनज़ल अल्लाहु दाअन इल्ला अनज़ल लहू शिफाअन। तो जो बीमारियां भी नाजिल होती हैं उसकी शिफा भी साथ ही में नाजिल होती है, लेकिन ये शिफा पोशीदा होती है, ओझल होती है, कुछ जाहिर होती है, कुछ छुपी हुई होती है। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को उसका इल्म हो जाता है, किसी को उसका इल्म नहीं होता। तो ये जो कहा जाता है ना कि बीमारी ला इलाज, इसका कोई इलाज नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज है ही नहीं, है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं है। अब जिम्मेदारी है लोगों की कि उसके इलाज के लिए कोशिश करें। कोई बीमारी कितनी ही खतरनाक की हो, कैसी भी बीमारी हो, इस कैंसर है, एड्स है, पता नहीं क्या क्या है, हम ये नहीं मान सकते कि इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज है लेकिन अभी इंसान वहां तक पहुंच नहीं सका है, उसका खोज नहीं कर सका, लेकिन इलाज है, क्योंकि अल्लाह ताला बगैर शफा की कोई बीमारी नाजिल नहीं करता। तो हमारा अकीदा ये होना चाहिए, हमारा एतकाद ये होना चाहिए बीमारी के ताल्लुक से, कि बीमारी हो या उसका इलाज हो, उसका शफा देना हो, अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला की इख्तियार में है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता।